नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हामिद सैफी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस विभाग में पिछले 5 साल से जीजा की जगह साले द्वारा नौकरी करने का एक मामला सामने आया है। जीजा अनिल की अध्यापक की नौकरी लगने के बाद उसका साला सुनील उसके स्थान पर PRV 0281 पर कांस्टेबल बनकर नौकरी कर रहा था। जनपद की ठाकुर द्वारा कोतवाली में जीजा और साले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जीजा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साला अभी भी फरार है। इस पूरे प्रकरण में SP देहात विद्या सागर मिश्र ने बताया कि कांस्टेबल अनिल की जगह सुनील द्वारा इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी और ये जानकारी सही भी है। इस संबंध में जांच उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किस स्तर पर यह कमी रही उस संबंध में भी जाँच की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने अनिल को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ कर रही है, जबकि आरोपी का साला अभी भी फरार है। अक्सर साले द्वारा अपने जीजा के लिए कुर्बान होने के किस्से आपने ज़रूर सुने होंगे, लेकिन मुरादाबाद में जीजा द्वारा अपनी नौकरी की कुर्बानी देने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुरादाबाद के पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पर तैनात अनिल कुमार ठाकुर द्वारा कोतवाली में PRV 0281 पर तैनात था। कांस्टेबल अनिल कुमार का 2016 के बाद अध्यापक की नौकरी में चयन हो गया। अनिल कुमार अपनी सिपाही की नौकरी अपने साले सुनील उर्फ सनी को तोहफे में देकर चला गया। बाद लगातार 5 साल से सुनील उर्फ सनी अपने जीजा की जगह कांस्टेबल पद पर PRV 0281 पर नौकरी कर रहा था। किसी रिश्तेदार के द्वारा शिकायत होने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने जीजा अनिल कुमार को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी और यह जानकारी सही भी है, अब तक की जांच से सही है और इस संबंध में जांचोपरांत वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और किस स्तर पर यह कमी रही उस संबंध में भी जांच की जाएगी। अनिल कुमार मुजफ्फरनगर के खतौनी थाने के बहोड़ का रहने वाला है और 2011 में पुलिस में भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग में 4 बार फेल होने के बाद गोरखपुर में ट्रेनिंग में पास हुआ था, जिसके बाद बरेली जनपद में पुलिस लाइन में तैनात रहा। 2016 में मुरादाबाद अपना ट्रांसफर करवाने के बाद ही अनिल का चयन अध्यापक पद पर मुजफ्फरनगर में ही तैनाती हो गई। उसके बाद चोरी से विभाग में खेल करके अपने स्थान पर अपने साले सुनील को नौकरी ज्वाइन करा दी। 2016 के बाद से सुनील उर्फ सनी कांस्टेबल पद पर नौकरी कर रहा था। वहीं साला सुनील कुमार भी मुजफ्फरनगर के ही गाँव गंगहागड़ी खतौली का निवासी है। मुरादाबाद से टाइम 24 न्यूज़ के लिए उज्जवल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।